हाँ, सभी लोग को आवाज आ रही है? बीच में नेट चला गया था। सभी लोग को आवाज आ रही है क्या? ठीक जी सर। ठीक 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 चल तो स्टार्ट करते हैं जरा। कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? यहाँ तक आ गए थे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि यू एफ माइनस यू आई इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, डब्ल्यू वन अपॉन तुम्हारे पास क्यू वन इक्वल्स टू वी एम माइनस वी इन्फिनिटी तक पहुंच गए थे। तो हमको ये बता रहे थे कि यहाँ पे वी एम जीरो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, देयर इज सम पोटेंशियल। ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज सम पोटेंशियल, ठीक, एट पॉइंट एम। इसने क्या बोला? इसने कहा कि पिछली बार जब हम करते थे तो हम ये कहते थे कि क्यू वन जब यहाँ पे आया उसके पहले यहाँ पे कोई नहीं था, तो हम कहते थे कि कोई पोटेंशियल वोटेंशियल नहीं है। तो हम क्या गलत कहते थे? जब कोई था ही नहीं तो क्या करते? इस बार कोई तुम्हारे पास एक्सटर्नल जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो एक्सटर्नल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे पास है, ये एक्सटर्नल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये कह रहा है कि हम पोटेंशियल पॉइंट एम पे क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम पोटेंशियल पॉइंट एम पे क्रिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वी एम जीरो नहीं होगा। तो इसने कहा वी एम को लिखोगे कैसे? इसने कहा इसको लिखेंगे वी फंक्शन ऑफ आर। इसने कहा कि वी एज अ फंक्शन ऑफ आर। इसका मतलब ये है कि अब ये मुझे हमेशा बताएंगे कि भाई कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर ये मुझे कुछ फॉर्मूला एक्सप्रेशन वगैरह देंगे, हम उस हिसाब से फॉर्मूला लिखेंगे। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि डब्ल्यू वन इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्यू वन इंटू वी फंक्शन ऑफ आर, ठीक। तो इसने कहा ठीक है, तो डब्ल्यू वन में ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, ठीक। अब अगर डब्ल्यू वन में ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई तो इसने क्या बताया? इसने कहा कि हम तो निकाल रहे थे पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कहा कि ठीक है, अब लेकर क्या हो इसको? जब हम लेकर के आए तो हमने कहा कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू वन। यू इनिशियल तो इन्फिनिटी थी तो जीरो हो गया, तो यू फाइनल इज इक्वल टू कितना हो गया? क्यू वन इंटू वी विच इज अ फंक्शन ऑफ आर। ये आया तुम्हारे पास फॉर्मूला। हमने कहा ठीक है, अब देखा जाए ये तुम्हारे पास सिंगल चार्ज का, ये तुम्हारे पास सिंगल चार्ज का एक्सप्रेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने कहा ठीक है, अब अगर मान लो कि तुम्हारे पास एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता। अब मान लो अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अगर तुम्हारे पास एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो तुम कहते क्या? हम ये कहते कि वी आर तुम्हारे पास जीरो होता, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती बाहर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होती, तो फिर पोटेंशियल कौन क्रिएट कर रहा था? कोई नहीं क्रिएट कर रहा था। तो यू एफ का वैल्यू होती क्यू वन इंटू जीरो, और अल्टीमेटली आंसर आ जाता तुम्हारे पास क्या? आई बात समझने? तो इसीलिए हम लोगों ने सिंगल चार्ज सिस्टम में, इसीलिए हम लोगों ने सिंगल चार्ज सिस्टम में नहीं पढ़ा तुम्हारे पास क्या नहीं पढ़ा? हम लोग नहीं पढ़ा तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है तुम्हारे पास जीरो। इसने कहा ठीक है, अब इसने कहा कि ये तो हो गया सिंगल चार्ज की बात। अब मान लो कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम होता, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम होता इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे करते हैं? अब इसने कहा कि अब एग्जैक्टली आपके पास कैसे आता? तो इसने कहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए जरा, इसने कहा कि ऐसे समझिए, यहाँ पे इन्होंने कोई एक्सटर्नल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाया होगा इस तरीके से, ये एक्सटर्नल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया, ठीक, और हम लोग फिर से लेकर के आए। अब हम दो चार्ज को लेकर के आएंगे, कहाँ से? इन्फाइनाइट से लेकर के आएंगे। एक को हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, और एक को हम लेकर के आ जाएंगे तुम्हारे पास कहीं यहाँ पे लेकर के आ गए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्यू वन को लेकर के आ गए, यहाँ पे हम क्यू टू को लेकर के आ गए, और ये हमारी दूरी हो गई तुम्हारे पास एक्स वन टू, ठीक है। यहाँ पे कोई और लोग नहीं, इसलिए हमने एक्स लिखी, ठीक। इसने कहा कि इनफाइनाइट लोकेशन है, और इसको ए लोकेशन मान लिया, इसको बी लोकेशन मान लिया, ठीक। अब इसने कहा मुझे इसके लिए फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक। इसने कहा कि ठीक है भाई, तो डब्ल्यू वन को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे क्यू वन इंटू तुम्हारे पास वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, ठीक है, और वी इन्फिनिटी तो जीरो होगा, वी ए जीरो नहीं होगा, तो डब्ल्यू वन इज इक्वल्स टू होगा क्यू वन इंटू तुम्हारे पास वी ऑफ आर वन, ठीक है। आर वन मतलब तुम्हारे पास चार्ज नंबर वन को इंडिकेट करने के लिए। सेम तरीके से डब्ल्यू टू लिखेंगे,
क्यू इंटू तुम्हारे पास वी वी माइनस तुम्हारे पास वी इन्फिनिटी, ये हो जाएगा जीरो। अब जब वी वी लिखने की बात आई तो इसने कहा कि पोटेंशियल, ठीक है, एट बी, पोटेंशियल एट तुम्हारे पास बी ड्यू टू क्यू वन एट ए, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। सो वी वी की वैल्यू क्या? अब उसने कहा कि पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्यू वन एट ए लिखना है और पोटेंशियल ड्यू टू तुम्हारे पास एक्सटर्नल चार्ज लिखना है। तो उसने कहा ठीक है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन तुम्हारे पास एक्स प्लस, यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया वी ऑफ आर टू। ये ना समझिएगा कि मैंने वी को आर टू से गुणा कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, मैंने उसको फंक्शन लिखा हुआ है। अभी जब एक सवाल आएगा तो आप देखोगे कि उस फंक्शन को मैं कैसे इवेल्युएट कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपने सोचा कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उठा करके आप भी मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं, ठीक। तो उसने कहा कि डब्ल्यू टू की वैल्यू क्या लिखेंगे, इसने कहा क्यू टू इंटू वी वी लिखेंगे, तो हमने लिखा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कितना क्यू वन क्यू टू अपॉन तुम्हारे पास एक्स प्लस क्यू टू तुम्हारे पास वी ऑफ आर टू, ये लिख दिया हमने। अब हमने कहा कि टोटल लिखना था, तो यू एफ इज इक्वल टू कितना हो गया डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, ये आ गया फॉर्मूला कितना क्यू वन वी ऑफ आर वन प्लस क्यू टू वी ऑफ आर टू प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन तुम्हारे पास एक्स, ये आ गया तुम्हारे पास फॉर्मूला। इस तरीके से प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला लिखा जाता है। अब मान लो अगर किसी में एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती, किसी में एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो ये वी ऑफ दी आर वन हो जाता जीरो, ठीक, वी ऑफ दी आर टू हो जाता जीरो, और यू एफ का फॉर्मूला बन जाता कितना वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन तुम्हारे पास एक्स। इस तरीके से फॉर्मूला, सभी लोग को बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ थ्री चार्ज सिस्टम फोर चार्ज सिस्टम के लिए कैसे करना है, तो हमने कभी डिराइव तो नहीं करेंगे सर, किसी भी हाल में इतना लंबा कौन डिराइव करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इन तुम्हारे पास प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, कैसे लिखेंगे, इसने कहा बहुत सिंपल है, इसने कहा देखो ऐसे लिखेंगे यू एफ इज इक्वल्स टू, इसे लिखेंगे क्या क्यू वन वी ऑफ द आर वन, ठीक, Q2 V of the R2, ठीक, Q2 तुम्हारे पास कितना Q2 तुम्हारे पास V of the R2 प्लस Q3 V of the R3 प्लस, ठीक, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना Q1 Q2 अपॉन X12 Q2 Q3 अपॉन X23, ठीक, Q1 Q3 अपॉन X13, इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला बता पाओगे, तुम कहोगे हाँ ना, बता पाएंगे ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ एन चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा एन सी टू प्लस एन, ये बनेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला। एन सी टू का मतलब है कि जो वैल्यू निकलेगी, एन सी टू तो इसको निकाल लेगी, कितने टर्म्स हैं, तीन यहाँ पे हैं और तीन क्या था, तो इसने कहा कि इस केस में लिखा जाए तो थ्री तुम्हारे पास इसकी वैल्यू, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी थ्री, तो थ्री प्लस थ्री कितना, ये हो गया तुम्हारे पास सिक्स। इस तरीके से हम लोग निकाल, सभी लोगों को क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी के मन में कोई दुविधा हो तो मुझे बताइए, कोई बात ना समझ में आ रही हो, ठीक, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अब थ्री चार्ज सिस्टम आए, फोर चार्ज सिस्टम आए, फाइव आए, सिक्स आए, जो भी आना है आ जाए, आप बड़े आराम से फॉर्मूला वगैरह भी लिख लेंगे, ठीक है, सॉल्व भी कर लेंगे और उसको देखते आराम से, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक, देखते हैं इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, इजी रहते हैं, बहुत टफ नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक कैटेगरी है जो कि बहुत हिलाने वाली है दिमाग को, ठीक, उसको देखिएगा जरा, आप क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले तो एक सिंपल सा उठाते हैं क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री चार्जेस हैं, ठीक है, और ये जो थ्री चार्जेस है ना, ये थ्री चार्जेस आपके माइनस क्यू प्लस क्यू और तुम्हारे पास
minus of the small q are placed at equal distances on a straight line. If the potential energy of the system of the three charges is zero, find the ratio of the capital Q upon small. हमने कहा ठीक है. अच्छा रखा कैसा है इन्होंने, इन्होंने ऐसे रखा हुआ है. इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे ऐसे लिया, ठीक है, यहाँ पे रखा उन्होंने माइनस क्यू को, ठीक है. दे आर प्लेस एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑन अ स्ट्रेट लाइन. इक्वल डिस्टेंसेज का मतलब है बराबर बराबर का मामला रखना पड़ेगा. और ये हमने माइनस क्यू रखा, ठीक है. ये हमने यहाँ पे इसको एल रख लिया, ठीक. और यहाँ पे हमने इसको एल रख लिया, ठीक. अब इसने कहा इफ द पोटेंशियल एनर्जी द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस इज जीरो. तो हमने कहा डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्टली, ठीक. डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया तो कितना हुआ, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना, क्यू वन क्यू टू अपॉन तुम्हारे पास एक्स वन टू, ठीक, क्यू टू क्यू थ्री अपॉन तुम्हारे पास एक्स टू थ्री, और क्यू वन क्यू थ्री अपॉन तुम्हारे पास कितना एक्स वन थ्री, ठीक. ये हो गया अपना क्यू वन, ये हो गया अपना क्यू टू, और ये हो गया अपना क्यू थ्री, ठीक है. एक्स वन थ्री क्या होगा, एक्स वन थ्री हो जाएगा टू एल, एक्स वन टू कितना हो जाएगा एल, एक्स टू थ्री कितना हो जाएगा एल, ठीक है. ये पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है. अब इसने कहा कि क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है. इसने कहा हाँ सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है. चलो वैल्यू पुट कर देते हैं. अच्छा सभी लोग रिज्वाइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, सभी लोग रिज्वाइन कर लीजिए.